अध्याय 21 हरमाइनी का रहस्य। बहुत सदमे वाली घटना थी, बहुत ही सदमे वाली। कमाल हो गया, उनमें से कोई नहीं मरा। इस तरह की घटना पहले कभी नहीं सुनी। किस्मत अच्छी थी स्नेप कि तुम वहां थे। धन्यवाद मंत्री जी, तुम्हें ऑर्डर ऑफ मर्लिन सेकंड क्लास तो मिलना तय है, और अगर मेरी बात मान ली गई तो फर्स्ट क्लास भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा घाव है, शायद ये घाव ब्लैक ने दिया होगा, है ना? सच कहूं मंत्री जी, तो यह पॉटर, वीजली और ग्रेंजर की वजह से हुआ है। नहीं, ब्लैक ने उन पर जादू कर दिया था। मैं यह बात तत्काल समझ गया। उनकी हरकतों को देखकर लगता था कि उन पर बुद्धिहरण सम्मोहन का प्रयोग किया गया था। वे सोच रहे थे कि ब्लैक के बेकसूर होने की संभावना थी। वे अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं थे। दूसरी तरफ उनके दखल देने के कारण ब्लैक बचकर भाग सकता था। उन्हें लग रहा था कि वे ब्लैक को अकेले ही पकड़ सकते हैं। उन्हें पहले भी बहुत ढील दी जा चुकी है। मुझे डर है कि इसमें उन्हें खुद पर ज्यादा घमंड हो गया है, और जाहिर है हेडमास्टर ने पॉटर को तो हमेशा बहुत ज्यादा ही छूट दी है। देखो स्नेप, हैरी पॉटर के मामले में जहां तक उसका सवाल है, हम सब उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या यह उसके लिए अच्छा है कि उसके साथ इतना खास व्यवहार किया जाए? व्यक्तिगत रूप से मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि उसके साथ भी बाकी विद्यार्थियों जैसा ही व्यवहार करूँ। अगर कोई दूसरा विद्यार्थी इतनी बड़ी गलती करता तो उसे कम से कम इस बात के लिए स्कूल से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाता, क्योंकि वह अपने मित्रों को इतने बड़े जोखिम में डाल रहा था। जरा सोचिए मंत्री जी, वह स्कूल के सभी नियमों को तोड़कर, उसकी सुरक्षा के लिए रखी गई तमाम सावधानियों को ताक पर रखकर रात को स्कूल से बाहर एक नर भेड़िए और एक खूनी के साथ था, और मुझे तो इस बात का भी यकीन है कि वह बिना इजाजत के हॉग्समीड भी गया था। हाँ, हम इस बारे में देखेंगे स्नेप, हम इस बारे में देख लेंगे। वह लड़का निश्चित रूप से थोड़ा बेवकूफ तो है। हैरी अपनी आंखें बंद करके सुन रहा था। वह बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। उसके कानों में जाने वाले हर शब्द उसके दिमाग तक बहुत धीमे पहुंच रहे थे। इसी वजह से उसे पूरी बात समझने में मुश्किल हो रही थी। उसे अपने शरीर का हर अंग भारी लग रहा था। पलकें भी इतनी भारी लग रही थी कि उन्हें उठाना बहुत मुश्किल था। वह हमेशा इस आरामदेह बिस्तर पर लेटा रहना चाहता था। दमपिशाचों के व्यवहार से मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ स्नेप, तुम्हें सचमुच यह नहीं मालूम कि वे क्यों लौट गए? नहीं मंत्री जी, जब तक मैंने स्थिति संभाली तब तक वे प्रवेश द्वार पर अपनी जगह पर वापस पहुंच चुके थे। बड़ी अजीब बात है, और इसके बावजूद ब्लैक, हैरी और वह लड़की, जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो सब बेहोश थे। मैंने ब्लैक को रस्सियों से बांधा और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर मैंने जादू से स्टेचर उत्पन्न किया और उन सबको सीधे महल में लेकर आ गया। एक पल के लिए खामोशी छाई रही। हैरी का दिमाग अब पहले से थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा था। तत्काल उसे लगा जैसे उसके दिल पर कोई बोझ है। उसने अपनी आंखें खोली। हर चीज थोड़ी धुंधली दिख रही थी। किसी ने उसका चश्मा हटा दिया था। वह अस्पताल के जिस हिस्से में था वहां अंधेरा था। उसने देखा कि मैडम ट्रॉम्फ्री वार्ड के दूसरे कोने में उसकी तरफ पीठ करके एक बिस्तर पर झुकी हुई है। हैरी ने घूरा। मैडम ट्रॉम्फ्री के हाथ के नीचे रॉन के लाल बाल दिख रहे थे। हैरी ने अपना सिर तकिए पर तिरछा किया। उसके दाईं तरफ वाले बिस्तर पर हरमाइनी लेटी थी। चांद की रोशनी उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। उसकी आंखें भी खुली हुई थी। वह स्थिर लेटी थी, लेकिन जब उसने देखा कि हैरी होश में आ गया है तो उसने अपने होठों पर उंगली रखकर वार्ड के दरवाजे की तरफ इशारा किया। आधे खुले दरवाजे के बाहर वाले गलियारे से कॉर्नेलियस फज और स्नेप की आवाजें आ रही थी। मैडम प्रॉम्फ्री तेजी से हैरी के बिस्तर तक आई। उसने पलटकर उनकी तरफ देखा। वे चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर ला रही थी। हैरी ने आज तक चॉकलेट का इससे बड़ा टुकड़ा नहीं देखा था। वह किसी बड़े पत्थर की तरह दिख रहा था। अच्छा, तो तुम जाग गए, उन्होंने तेजी से कहा। फिर उन्होंने चॉकलेट हैरी के बिस्तर के पास वाली टेबल पर रख दी और उसे हथौड़ी से तोड़ने लगी। रॉन कैसा है? हैरी और हरमाइनी ने एक साथ पूछा। उसकी जान बच गई है, मैडम प्रॉम्फ्री ने गंभीरता से कहा। जहां तक तुम दोनों का सवाल है, तुम यहीं पर रहोगे जब तक कि मुझे यह तसल्ली ना हो जाए कि तुम पूरी तरह से। पॉटर, तुम क्या कर रहे हो? हैरी बैठकर अपना चश्मा पहन रहा था और अपनी छड़ी उठा रहा था। उसने कहा, मुझे हेडमास्टर से मिलने जाना है। पॉटर, मैडम प्रॉम्फ्री ने पुचकारते हुए कहा, सब कुछ ठीक है। ब्लैक पकड़ा जा चुका है। उसे ऊपर की मंजिल पर कैद कर दिया गया है।
दमपिशाच उसका चुंबन लेने के लिए बस आने ही वाले होंगे। क्या? हैरी अपने बिस्तर से कूद गया। हरमाइनी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हैरी की आवाज बाहर वाले गलियारे में भी पहुंच गई थी। अगले ही पल कॉर्नेलियस फज और स्नेप वार्ड में दाखिल हुए। हैरी, हैरी ये क्या है? फज ने विचलित दिखते हुए कहा। तुम्हें तो बिस्तर पर होना चाहिए। और कैस ने चॉकलेट खा ली है? उन्होंने चिंता भरी आवाज में मैडम प्रॉम्फ्री से पूछा। मंत्री जी, मेहरबानी करके मेरी बात सुने, हैरी बोला। सीरियस ब्लैक बेकसूर है। पीटर पैटिग्रू ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा है। हमने उसे आज रात को देखा था। आप दम पिशाचे उसे सीरियस को चुंबन नहीं दिलवा सकते, वह बेकसूर है। लेकिन फज अपना सिर हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हैरी, हैरी, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम बहुत भयानक सदमे से उबर रहे हो। लेट जाओ, हमने अब हर चीज ठीक कर ली है। नहीं, यह सच नहीं है, हैरी चीखा। आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मंत्री जी, मेहरबानी करके हमारी बात सुने, हरमाइनी ने कहा। वह भी तेजी से हैरी के पास आ गई थी और विनती भरी निगाह से पच को देख रही थी। मैंने भी उसे देखा था। वह रॉन का चूहा था। पैटिग्रियू एक इच्छाधारी नर पशु था। और देखा मंत्री जी, स्नेप ने कहा, दोनों ही बुद्धि हरण सम्मोहन के शिकार हैं। ब्लैक ने इन पर काफी अच्छा जादू किया है, हैरी ने गरजते हुए कहा। हम लोगों की बुद्धि को कुछ नहीं हुआ है। मंत्री जी, प्रोफेसर, मैडम प्रॉम्फ्री गुस्से से बोली, मैं आप लोगों से यह आग्रह करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। पॉटर मेरा मरीज है और आप उसे परेशान कर रहे हैं। मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं तो उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ था, हैरी ने तैश में आते हुए कहा। लेकिन वे सुनते ही नहीं। लेकिन मैडम प्रॉम्फ्री ने अचानक हैरी के मुंह में चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा ठूस दिया। उसका मुंह बंद हो गया और मैडम प्रॉम्फ्री ने मौके का फायदा उठाकर उसे फिर से उसके बिस्तर पर पहुंचा दिया। अब मेहरबानी करके मंत्री जी, इन बच्चों को आराम की जरूरत है। मेहरबानी करके चले जाएं। दरवाजा एक बार फिर खुला। अब डंबलडोर अंदर आ गए थे। हैरी ने अपने मुंह में भरी चॉकलेट बड़ी मुश्किल से निकली और दोबारा उठकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर, प्रोफेसर डंबलडोर, सीरियस ब्लैक, भगवान के लिए, मैडम प्रॉम्फ्री ने खींचते हुए कहा। यह अस्पताल है या नहीं? हेडमास्टर, मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ, माफ करना पॉपी, लेकिन मुझे पॉटर और ग्रिंजर से कुछ बातें करनी है, डंबलडोर ने शांत स्वर में कहा। मैं अभी सीरियस ब्लैक से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसने आपको भी वही परी कथा सुनाई होगी जो उसने पॉटर के दिमाग में डाली है, इसने अपने थूक उड़ाते हुए कहा। चूहे वाली कहानी और पैटिग्रू के जिंदा होने की बात। ब्लैक ने सचमुच यही कहानी सुनाई थी, डंबलडोर बोले, और उन्होंने अपने आधे चांद के आकार वाले चश्मे से स्नेप को गौर से देखा। और क्या मेरी गवाही की कोई कीमत नहीं है? स्नेप गरजे। पीटर पैटिग्रू छींकती हवेली में नहीं था, ना ही वह मुझे मैदान में दिखा। ऐसा इसीलिए हुआ प्रोफेसर क्योंकि आपके होश उड़ गए थे, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। आप सही समय पर नहीं आ पाए थे। मिस ग्रेंजर, अपना गंदा मुंह बंद रखो। स्नेप, जरा संभल कर, फज ने हैरानी से कहा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस लड़की का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, डम्बलडोर अचानक बोले। मैं हैरी और हरमाइनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। कॉर्नेलियस, सीवियरस, पॉपी, मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दें। हेडमास्टर, मैडम प्रॉम्फ्री तुरंत बोली, इन्हें इलाज की जरूरत है, इन्हें आराम की जरूरत है, डम्बलडोर ने कहा। ऐसा करना जरूरी है, मैं इस पर जोर देता हूँ। मैडम प्रॉम्फ्री अपने होश से कोड़ कर वार्ड के सिरे पर बने अपने ऑफिस में चली गई और जाते समय उन्होंने अपने पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। फज ने अपने वेस्ट कोट से लटकती बड़ी सुनहरी घड़ी को देखा। दम पिशाच अब आने ही वाले होंगे, वे बोले। मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। डम्बलडोर, मैं तुम्हें ऊपर वाली मंजिल पर मिलूंगा। फज दरवाजे की तरफ बढ़े और स्नेप के लिए दरवाजा खोलकर खड़े रहे, लेकिन स्नेप हिले तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी ब्लैक की कहानी पर यकीन हो गया है? स्नेप फुसफुसाए। उनकी निगाहें डम्बलडोर के चेहरे पर टिकी थीं। मैं हैरी और हरमाइनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, डम्बलडोर ने दोहराया। स्नेप ने डम्बलडोर की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, सीरियस ब्लैक ने 16 साल की उम्र में ही यह दिखा दिया था कि वह खून करने में सक्षम है। आप यह बात तो नहीं भूले हैं हेडमास्टर? आप यह तो नहीं भूले हैं कि उसने एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी, डम्बलडोर ने धीरे से कहा। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है सिवेरियस। इसने पलट कर दरवाजे से बाहर चले गए, जिसे फज ने अब भी खोल रखा था। दरवाजा बंद होते ही डम्बलडोर हैरी और हरमाइनी की तरफ मुड़े।
दोनों ही उसी समय एक साथ बोलने लगे। प्रोफेसर, ब्लैक की बात सच है। हमने पैटिग्रू को देखा था। जब प्रोफेसर ल्यूपिन नर भेड़िए बन गए थे तो वह भाग निकला। वह एक चूहा है। पैटिग्रू ने अपना अगला पंजा, मेरा मतलब है उंगली, काट ली थी। पैटिग्रू ने रॉन पर हमला किया था। सीरियस दोषी नहीं है, लेकिन डंबलडोर ने उनकी बातों की बाढ़ को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। अब तुम सुनो, और मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि बीच में मत बोलना, क्योंकि समय बहुत कम है, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारे अलावा ब्लैक की कहानी की सच्चाई का एक भी सबूत नहीं है, और 13 साल के दो बच्चों की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सड़क पर मौजूद बहुत से गवाहों ने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने सीरियस को पैटिग्रू का खून करते देखा था। मैंने खुद मंत्रालय के सामने गवाही दी थी कि सीरियस पॉटर दंपत्ति का रहस्य रक्षक था। हैरी खुद को रोक पाए इससे पहले ही उसके मुंह से अचानक निकल गया, प्रोफेसर ल्यूपिन आपको बता सकते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन इस समय जंगल की गहराइयों में हैं और किसी को भी नहीं बता सकते हैं। जब तक वे दोबारा इंसान बनेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और सीरियस की हालत मुर्दे से भी बदतर होगी। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ज्यादातर जादूगर नर भेड़ियों पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी कही बात का कोई खास महत्व नहीं होगा। इसके अलावा वे और सीरियस पुराने दोस्त भी हैं। लेकिन मेरी बात सुनो हैरी, अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है, तुम समझ रहे हो ना? तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि प्रोफेसर स्नेप घटनाओं का जो विश्लेषण बता रहे हैं वह तुम्हारे मुकाबले ज्यादा विश्वसनीय हैं। वे सीरियस से नफरत करते हैं, हरमाइनी ने हताशा से कहा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि सीरियस ने उनके साथ एक मूर्खतापूर्ण मजाक किया था? सीरियस ने भी बेकसूर आदमी जैसा व्यवहार नहीं किया है। मोटी औरत पर हमला करना, गरुड़द्वार टावर में चाकू लेकर घुसना, जब तक पैटेग्रू जिंदा या मुर्दा नहीं मिलता तब तक सीरियस की सजा बदलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आपको तो हम पर यकीन है ना? हाँ, मुझे है, डंबलडोर ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन मुझ में यह शक्ति नहीं है कि मैं दूसरों को सच्चाई मानने पर मजबूर कर दूं या मंत्री जी के फैसले को उलट दूं। हैरी ने उन्हें गंभीर चेहरे से घूरा। उसे लगा जैसे उसके नीचे की जमीन तेजी से खिसक रही थी। वह हमेशा यही सोचता था कि डंबलडोर हर समस्या को सुलझा सकते हैं। उसे आशा थी कि डंबलडोर हवा में से किसी आश्चर्यजनक समाधान को बाहर निकाल देंगे, लेकिन नहीं, उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। डंबलडोर की हल्की नीली आंखें अब हैरी के बजाय हरमाइनी पर टिक गई थी। उन्होंने धीमे से कहा, हमें जिस चीज की जरूरत है वह है थोड़ा ज्यादा समय। परंतु, हरमाइनी ने बोलना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी आंखें फैल गईं। ओह, अब ध्यान से सुनो, डंबलडोर ने बहुत धीमे लेकिन बहुत साफ साफ बोलते हुए कहा। सीरियस प्रोफेसर फिल्टविक के ऑफिस में 7वीं मंजिल पर एक कमरे में बंद है, पश्चिमी मीनार की दाहिनी तरफ से 13वीं खिड़की। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आज रात को तुम एक से ज्यादा बेकसूर जाने बचा लोगे, लेकिन तुम दोनों ही ये याद रखना कि कोई तुम्हें देख ना पाए। मिस ग्रेंजर, तुम नियम जानती हो, तुम जानती हो यह काम कैसे करना है। कोई तुम्हें देख ना पाए। हैरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन बातों का क्या मतलब था। डंबलडोर पलटे और दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने पीछे देखा। मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ। इस समय उन्होंने अपनी घड़ी देखी, 12 बजने में 5 मिनट कम है। मिस ग्रेंजर, 3 बार चाबी घुमाने से काम हो जाना चाहिए। गुड लक। गुड लक, हैरी ने दोहराया जब डंबलडोर ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया। 3 बार चाबी घुमाना? वे क्या बोल गए? हमें आखिर करना क्या है? लेकिन हरमाइनी अपने दुशाले के नीचे गले में कुछ खोज रही थी। उसने वहां से एक बहुत लंबी और सुंदर सोने की चेन निकाली। हैरी, यहाँ आओ, उसने बेचैन होकर कहा, जल्दी आओ। पूरी तरह आश्चर्यचकित हैरी उसकी तरफ बढ़ा। हरमाइनी चेन को फैलाकर खड़ी थी। हैरी ने देखा कि उस चेन से एक छोटी चमकदार घड़ी लटक रही थी। यहाँ, हरमाइनी ने चेन उसके गले में भी डाल दी। तैयार हो? उसने सांस रोककर पूछा। हम क्या कर रहे हैं? हैरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हरमाइनी ने घड़ी की चाबी को 3 बार घुमाया। अंधेरे में डूबा वार्ड घूमने लगा। हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बहुत तेजी से पीछे की तरफ उड़ रहा था। रंगों और आकारों का भंवर उनके पास से गुजर रहा था। उसके कानों पर हथौड़े पड़ रहे थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी ही आवाज नहीं सुन पाया। और फिर उसने अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की। अब हर चीज फिर से साफ दिखने लगी थी। वह खाली प्रवेश हॉल में हरमाइनी के पास खड़ा था, और सूरज की सुनहरी रोशनी सामने वाले खुले हुए दरवाजे से आकर फर्श पर पड़ रही थी। उसने हरमाइनी की तरफ देखा।
घड़ी की चेन उसके गले में चुभ रही थी। हरमाइनी, क्या? यहाँ अंदर आ जाओ। हरमाइनी ने हैरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर हॉल के उस पार झाड़ुओं वाली अलमारी के दरवाजे तक ले गई। उसने अलमारी खोलकर हैरी को बाल्टियों और झाड़ुओं के बीच में धकेल दिया। फिर वह भी उसके पीछे अंदर आ गई और उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। क्या? कैसे? हरमाइनी, क्या हुआ? हम पीछे अतीत में पहुंच गए हैं, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा और हैरी के गले से चेन उतार दी। हम 3 घंटे पीछे पहुंच गए हैं। हैरी ने अपने पैर में जमकर चिमटी काटी। उसे बहुत तेज दर्द हुआ, इसलिए इस बात की संभावना नहीं थी कि वह बहुत अजीब सपना देख रहा हो। लेकिन सुनो, कोई आ रहा है। मुझे लगता है कि हम ही आ रहे होंगे। हरमाइनी ने अपने कान अलमारी के दरवाजे से लगा लिए। हॉल के पार कदमों की आहट। हाँ, मुझे लगता है हम हैग्रिड के घर की तरफ जा रहे हैं। तुम ये क्या कह रही हो? हैरी फुसफुसाया। कि हम इस अलमारी में भी हैं और हम वहां पर भी हैं। हाँ, हरमाइनी बोली। उसका कान अब भी दरवाजे से टिका हुआ था। मुझे यकीन है कि हम ही हैं। 3 लोगों से ज्यादा की आवाज नहीं लगती, और हम इसीलिए धीमे चल रहे हैं क्योंकि हमने अदृश्य चोगा ओढ़ रखा है। वह रुक गई और पूरे ध्यान से सुनने लगी। हम सामने वाली सीढ़ियों से उतर गए हैं। हरमाइनी एक उल्टी बाल्टी पर बैठ गई और बुरी तरह तनाव में दिखने लगी। हैरी कुछ सवालों के जवाब चाहता था। तुम्हें यह घड़ी जैसी चीज कहाँ से मिली? इसे काल परिवर्तक कहते हैं, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। और जब मैं इस साल यहाँ आई थी तो पहले दिन ही प्रोफेसर मैगोनिगल ने मुझे यह दे दी थी। मैंने अपनी सभी क्लासों में जाने के लिए पूरे साल इसका इस्तेमाल किया है। प्रोफेसर मैगोनिगल ने मुझसे यह वादा करा लिया था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। जादू मंत्रालय से इसे मंगवाने के लिए उन्हें बहुत पत्र लिखने पड़े। प्रोफेसर मैगोनिगल ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि मैं आदर्श विद्यार्थी हूँ और मैं इसका प्रयोग सिर्फ पढ़ाई के लिए ही करूंगी। मैं इसकी चाबी घुमाकर पिछली क्लासों में चली जाती थी और इस तरह से कई क्लासें एक साथ पढ़ लेती थी। लेकिन हैरी, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि डंबलडोर हमसे क्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने हमें 3 घंटे पीछे जाने को क्यों कहा? इससे सीरियस को कैसे मदद मिलेगी? हैरी ने उसके परेशान चेहरे को देखा। इस समय कोई ऐसी चीज हुई होगी जो वे हमसे बदलवाना चाहते होंगे, उसने धीमे से कहा। क्या हुआ था? हम 3 घंटे पहले हैग्रिड के घर की तरफ जा रहे थे। हम 3 घंटे पहले के समय में पहुंच चुके हैं और हम हैग्रिड के घर की तरफ जा रहे हैं, हरमाइनी ने कहा। हमने अभी अपने जाने की आवाजें सुनी हैं। हैरी की भौहें तन गईं। वह अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश कर रहा था। डंबलडोर ने अभी कहा था कि हम एक से ज्यादा बेकसूर जाने बचा सकते हैं। और फिर उसे मतलब समझ में आ गया। हरमाइनी, हम बकबीक को बचाने जा रहे हैं। लेकिन इससे सीरियस को कैसे मदद मिलेगी? डंबलडोर ने कहा था, उन्होंने हमें अभी बताया था कि खिड़की कहाँ पर है। फिल्टविक के ऑफिस की खिड़की, जहाँ सीरियस बंद है। हमें बकबीक पर सवारी करके उस खिड़की तक उड़कर पहुंचना है और सीरियस को बचाना है। सीरियस बकबीक पर सवार होकर यहाँ से बाहर निकल सकता है। वे एक साथ यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। हैरी को हरमाइनी का चेहरा जितना दिख रहा था, वह बहुत दहशत में लग रही थी। अगर हम बिना किसी को दिखे ये काम कर पाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, है ना? हैरी ने कहा। वह उठकर खड़ा हुआ और उसने अपना कान अलमारी के दरवाजे से लगाया। कोई आवाज नहीं आ रही है। ऐसा लगता है बाहर कोई नहीं है। आओ, चलते हैं। हैरी ने धक्का देकर अलमारी का दरवाजा खोला। प्रवेश हॉल में कोई नहीं था। वे लोग बिना आवाज किए अलमारी से बाहर भागे और पत्थर की सीढ़ियां उतर गए। छायाएं लंबी हो रही थीं। अंधेरे जंगल के पेड़ों के झुरमुट सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। अगर कोई खिड़की से बाहर झांक रहा हो, हरमाइनी चीखी और पीछे महल की तरफ देखने लगी। हम दौड़ लगाते हैं, हैरी ने संकल्प के साथ कहा। सीधे जंगल में चलते हैं, ठीक है? हम किसी पेड़ के पीछे छिपकर नजर रखेंगे, ठीक है? लेकिन हम ग्रीन हाउसों के पास से घूमकर चलेंगे, हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा। हमें हैग्रिड के सामने वाले दरवाजे से नजर नहीं आना चाहिए, वरना हम खुद को देख लेंगे। हम अब तक हैग्रिड के घर के पास पहुंच गए होंगे। हरमाइनी की बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए हैरी ने दौड़ लगा दी। हरमाइनी उसके पीछे भाग रही थी। वे सब्जियों के बगीचे को पार करते हुए ग्रीन हाउसों के पास पहुंचे। एक पल रुके और फिर लड़ाकू पेड़ का चक्कर लगाते हुए जंगल में छिपने के लिए दौड़ पड़े। पेड़ों की छायाओं में सुरक्षित पहुंचने के बाद हैरी घूमा। कुछ सेकंड बाद हरमाइनी भी हाँफते हुए उसके पास पहुंच गई। ठीक है,
हरमाइनी बोली, हमें चोरी से हैग्रिड के घर के पास पहुंचना है, दिखाई मत देना हैरी। वे लोग खामोशी से जंगल के किनारे पर पेड़ों के बीच से चलते रहे। फिर जब उन्हें हैग्रिड के घर का अगला हिस्सा दिखाई दिया तो उन्होंने उसके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। वे तत्काल बलूत के एक चौड़े तने वाले पेड़ के पीछे छिप गए और उसके पीछे से झांकने लगे। हैग्रिड दरवाजे पर नजर आ रहा था। वह कांप रहा था और उसका चेहरा सफेद था। वह चारों तरफ देख रहा था कि दरवाजा किसने खटखटाया था। और फिर हैरी ने अपनी आवाज सुनी। हम हैं, हैरी ने धीमे से कहा। हम अदृश्य चोगा पहने हैं, हमें अंदर आने दो ताकि हम उसे उतार सकें। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हैग्रिड फुसफुसाया, लेकिन वह एक तरफ हट गया और उसने तत्काल दरवाजा बंद कर दिया। हमने आज तक इतना अजीब काम नहीं किया, हैरी ने उत्साह से कहा। हम थोड़ा खिसकते हैं, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। हमें बगबी के पास पहुंचना चाहिए। वे लोग पेड़ों के बीच से रेंगते रहे जब तक कि उन्हें घबराया हुआ गरुण अश्व नहीं दिख गया, जो हैग्रिड की कद्दू वाली क्यारी के पास से फेंस से बंधा था। हैरी ने हरमाइनी से पूछा, अभी छुड़ा लें? नहीं, हरमाइनी ने कहा, अगर हम उसे अभी इस समय चुरा लेंगे तो खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के लोग यह सोचेंगे कि हैग्रिड ने उसे आजाद कर दिया। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वे उसे बाहर बंधा हुआ ना देख लें। तब तो हमें इस काम के लिए सिर्फ 60 सेकंड मिलेंगे, हैरी ने कहा। यह काम लगभग असंभव लग रहा था। उसी समय हैग्रिड के घर में से चीनी मिट्टी की किसी चीज के टूटने की आवाज आई। हैग्रिड ने दूध का जग तोड़ दिया है, हरमाइनी फुसफुसाकर बोली। कुछ ही समय में स्कैबर्स मुझे मिलने वाला है। निश्चित रूप से कुछ समय बाद उन्हें हरमाइनी की हैरान चीख सुनाई थी। हरमाइनी, हैरी ने अचानक कहा, क्यों ना हम दौड़कर अंदर जाएं और पैटिग्रू को पकड़ लें? नहीं, हरमाइनी ने दहशत भरी फुसफुसाहट में कहा, क्या तुम समझते नहीं हो? हम जादूगरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को तोड़ रहे हैं। समय में किसी को भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। तुमने डंबलडोर की बात सुनी थी ना, अगर हम किसी को भी दिख गए तो? लेकिन हम तो सिर्फ खुद को ही दिखेंगे, और हैग्रिड को भी, हरमाइनी ने पूछा। हैरी, अगर तुम हैग्रिड के घर में खुद को भागकर घुसते देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, हैरी ने कहा। या फिर मैं ये सोचूंगा कि ये काला जादू हो रहा है। बिल्कुल यही, तुम सही स्थिति को नहीं समझ पाओगे। हो सकता है तुम खुद पर ही हमला कर दो। क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता है? प्रोफेसर मैकोनिकल ने मुझे बताया था कि जब जादूगरों ने समय के साथ खिलवाड़ किया है तो कितनी भयंकर घटनाएं हुई हैं। बहुत से जादूगरों ने गलती से अपने अतीत या भावी स्वरूपों को मार डाला है। ठीक है, हैरी बोला, मैं तो बस सोच रहा था। लेकिन हरमाइनी ने उसे छूकर महल की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपना सिर कुछ इंच हिलाया ताकि दूर दिख रहे महल के सामने वाले दरवाजे को साफ देख सके। डम्बलडोर, फज, कमेटी का बूढ़ा सदस्य और जल्लाद मैकनेयर सीढ़ियां उतरकर आ रहे थे। हम अब बाहर निकलने वाले हैं, हरमाइनी ने सांस अंदर खींचते हुए कहा। और निश्चित रूप से कुछ समय बाद हैग्रिड का पिछला दरवाजा खुल गया। हैरी ने देखा कि वह, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के साथ बाहर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव था कि वह पेड़ के पीछे खड़े होकर कद्दू की क्यारी में खुद को ही देख रहा था। सब ठीक है बीकी, सब ठीक है, हैग्रिड ने बकबीक से कहा। फिर वह हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ा। अब जाओ, चल दो। हैग्रिड, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें बता देंगे कि दरअसल क्या हुआ था। वे उसे नहीं मार सकते। जाओ, पहले से ही इतना झमेला है कि तुम्हें इस मुश्किल में नहीं फंसना चाहिए। हैरी ने देखा कि हरमाइनी कद्दू की क्यारी में उसके और रॉन के ऊपर अदृश्य चोगा डाल रही थी। जल्दी जाओ, सुनना मत। किसी ने हैग्रिड की झोपड़ी का सामने वाला दरवाजा खटखटाया। सजा देने वाला दल आ गया था। हैग्रिड पलटकर अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। उसने अपना पिछला दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया था। हैरी ने देखा कि घर के आसपास की घास चारों तरफ समतल थी। फिर उसे 3 कदमों की आहट सुनाई दी। वह, रॉन और हरमाइनी चले गए थे, लेकिन पेड़ों के पीछे छिपे हैरी और हरमाइनी अब भी पिछले दरवाजे से आने वाली आवाजों को सुनकर यह जान सकते थे कि झोपड़ी में क्या हो रहा था। मैकनेयर की ठंडी आवाज आई, जानवर कहाँ है? बाहर, बाहर है, हैग्रिड ने कांपती हुई आवाज में कहा। जब मैकनेयर का चेहरा हैग्रिड की खिड़की में बकबीक को देखने के लिए नजर आया तो हैरी ने अपना सिर छिपा लिया। फिर उन्हें फज की आवाज सुनाई दी। हमें तुम्हें सजा देने का आधिकारिक आदेश पढ़कर सुनाना होगा हैग्रिड,
मैं इसे जल्दी से पढ़ देता हूँ और फिर तुम्हें और मैकनियर को इस पर साइन करने होंगे। मैकनियर, तुम्हें भी यह सुनना होगा, यह नियम है। मैकनियर का चेहरा खिड़की से गायब हो गया। अब वह काम करने का समय आ गया था। यही इंतजार करो, हैरी ने हरमाइनी से फुसफुसाकर कहा। यह काम मैं करता हूँ। जब फज की आवाज़ दोबारा आने लगी तो हैरी पेड़ों के पीछे से भागता हुआ निकला और फेंस लांग कर कद्दू की क्यारी में बकबीक के पास पहुंच गया। खतरनाक प्राणी खात्मा समिति विभाग की यह समिति ने फैसला किया है कि बकबीक नामक गरुण अश्व को, जिसे इसके बाद अपराधी नाम से संबोधित किया जाएगा, 6 जून को सूर्यास्त के समय मौत के घाट उतार दिया जाए। पलके न झपकाने की कोशिश करते हुए हैरी ने खूंखार नारंगी आंखों वाले बकबीक से एक बार फिर से नजरें मिलाई और सिर झुकाया। बकबीक अपने पपड़ीदार घुटनों पर बैठ गया और फिर खड़ा हो गया। हैरी बकबीक के फैन से बंधी रस्सी खोलने लगा। सिर काटकर मौत की सजा सुनाई गई है, जिसे समिति द्वारा नियुक्त जल्लाद वॉल्डन मैकनियर देंगे। जल्दी चलो बकबीक, हैरी बुदबुदाया। जल्दी चलो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप। नीचे गवाहों के साइन होना है। हैग्रिड, तुम यहाँ पर साइन करो। हैरी ने रस्सी पर पूरा जोर लगाया, लेकिन बकबीक ने अपने अगले पंजे जमीन में गड़ा रखे थे। तो अब हम इस मामले को खत्म कर देते हैं। हैग्रिड के घर के अंदर से समिति के सदस्य की भर्राई आवाज आई। हैग्रिड, तुम अंदर ही रहो तो अच्छा है। नहीं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वे अपने आखिरी समय में अकेला रहे। हैग्रिड की झोपड़ी के अंदर से कदमों की आवाज गूंज रही थी। बकबीक, चलो भी, हैरी ने गुर्रा कर कहा। हैरी ने बकबीक की गर्दन में बंधी रस्सी को और जोर से खींचा। गरुण अश्व चलने लगा और चिढ़कर अपने पंख हिलाने लगा। वे अब भी जंगल से 10 फुट दूर थे और कोई भी उन्हें हैग्रिड के पीछे वाले दरवाजे से देख सकता था। 1 मिनट ठहरो मैकनियर, डम्बलडोर की आवाज आई। तुम्हें भी तो साइन करना है। कदमों की आहट रुक गई। हैरी ने रस्सी खींची। बकबीक ने अपनी चोंच बंद की और थोड़ा तेज चलने लगा। हरमाइनी का सफेद चेहरा एक पेड़ के पीछे से बाहर निकल रहा था। वह बोली, हैरी जल्दी करो। हैरी को अब भी कैबिन के अंदर से डम्बलडोर के बोलने की आवाज आ रही थी। उसने रस्सी को एक और झटका दिया। बकबीक मन मार कर भागने लगा। वे पेड़ों तक पहुंच गए थे। जल्दी जल्दी, हनुमानी ने आह भरते हुए कहा और पेड़ के पीछे से भाग कर बाहर आई। उसने भी रस्सी पकड़कर ताकत लगाई ताकि बकबीक ज्यादा तेज चल सके। हैरी ने पीछे पलट कर देखा। अब वे पूरी तरह छिप गए थे। उन्हें हैग्रिड का बगीचा दिखाई दे रहा था। रुको, उसने हरमाइनी से फुसफुसा कर कहा। वे हमारे चलने की आवाज सुन सकते हैं। हैग्रिड का पिछला दरवाजा धड़ाक से खुला। हैरी, हरमाइनी और बकबीक बिल्कुल खामोश खड़े रहे, यहाँ तक कि गरुण अश्व भी ध्यान से सुन रहा था। खामोशी। फिर वह कहाँ गया? कमेटी के सदस्य की भर्राई आवाज आई। जानवर कहाँ गया? अभी तो यही बंधा था, जल्लाद ने गुस्से में कहा। मैंने उसे देखा था यहीं पर। कितनी अजीब बात है, डम्बलडोर ने कहा। उनकी आवाज में दिलचस्पी का भाव था। बी की, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। फरसा चलने की आवाज आई। लगता था जल्लाद ने गुस्से में फेंस पर फरसा चला दिया था। इसके बाद किसी के रोने की आवाज आई। सुबकियां लेते हुए हैग्रिड बोल रहा था, चला गया, चला गया। वह भाग गया। उसने खुद को खींचकर आजाद कर लिया होगा। बी की, शाबाश बी की। बकबीक ने रस्सी खींचने के लिए जोर लगाया, क्योंकि वह हैग्रिड के पास जाना चाहता था। हैरी और हरमाइनी ने अपनी पकड़ मजबूत की और उसे रोकने के लिए जमीन पर अपने पैर गड़ा दिए। किसी ने उसे खोल दिया होगा, जल्लाद गुस्से से कह रहा था। हमें मैदान और जंगल की तलाशी लेना चाहिए, डम्बलडोर ने दिलचस्पी से कहा। मैकनियर, अगर बकबीक को सचमुच चुराया गया है तो क्या तुम्हें यह लगता है कि चोर उसे उड़ाकर ले जाने की बजाय पैदल ले जाएंगे? इससे बेहतर तो यह होगा कि तुम आसमान की तलाशी लो। हैग्रिड, मैं एक कप चाय पीना चाहूंगा, या ब्रैंडी का एक बड़ा पैग। आइए आइए प्रोफेसर, हैग्रिड ने कहा, जिसकी आवाज खुशी के मारे संभल नहीं रही थी। अंदर आइए, अंदर आइए। हैरी और हरमाइनी ने ध्यान से सुना। उन्हें कदमों की आहट आई। जल्लाद गालियां दे रहा था। फिर दरवाजा धड़ाक से बंद हुआ और एक बार फिर खामोशी छा गई। हैरी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या करें? हमें यही छिपना होगा, हरमाइनी ने कहा, जो बहुत विचलित दिख रही थी। जब तक वे महल नहीं लौट जाते, तब तक हमें यही इंतजार करना चाहिए। फिर हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि बग्बी को सीरस की खिड़की तक ले जाने का वक्त ना हो जाए। वह वहां 2 घंटे बाद पहुंचेगा। ओह, यह काम मुश्किल होगा।
उसने घबराकर जंगल की तरफ देखा। सूरज अब ढल रहा था। हमें यहाँ से हिलना होगा, हैरी ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। हमें लड़ाकू पेड़ पर नजर रखना चाहिए, वरना हमें यह पता कैसे चलेगा कि हमें कब क्या करना है। ठीक है, हरमाइनी बकबीक की रस्सियों को और कसकर पकड़ते हुए बोली, लेकिन याद रखना हैरी, हमें किसी को दिखाई नहीं देना है। वे जंगल के किनारे पर चलते रहे। अंधेरा उनके चारों तरफ फैल रहा था। फिर वे पेड़ों के एक झुंड के पीछे छिप गए, जिनके बीच से उन्हें लड़ाकू पेड़ दिख रहा था। हैरी ने अचानक कहा, रॉन, वह रहा। एक अंधेरी आकृति घास पर दौड़ती हुई आई। इसकी आवाज रात की खामोश हवा में गूंज रही थी। उससे दूर हटो, दूर हटो, स्कैबर्स, यहाँ आओ। फिर उन्हें दो और आकृतियां नजर आईं। हैरी ने देखा कि वह और हरमाइनी रॉन के पीछे भाग रहे थे। फिर उसने रॉन को छलांग लगाते देखा। पकड़ लिया, दूर रहो गंदी बिल्ली। वह रहा सीरियस, हैरी ने कहा। कुत्ते की विशाल आकृति लड़ाकू पेड़ की जड़ों के बीच से निकल कर आ रही थी। उन्होंने देखा कि उसने हैरी को गिरा दिया था और रॉन को पकड़ लिया था। यहाँ से तो यह और भी बुरा दिखता है ना, हैरी ने कहा, जब कुत्ता रॉन को जड़ों के बीच से घसीटकर अंदर ले जा रहा था। आउच, देखो, पेड़ों ने मुझ पर हमला कर दिया और तुम पर भी। यह तो अजीब है। लड़ाकू पेड़ चरमरा रहा था और अपनी नीची शाखाओं से कोड़े लहरा रहा था। उन्होंने देखा कि वे इधर उधर भाग रहे थे और तने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और फिर पेड़ शांत हो गया। वृक्ष तने की गांठ को दबा रही है, हरमाइनी बोली। और अब हम अंदर जा रहे हैं, हैरी बुदबुदाया। हम अंदर जा चुके हैं। जिस पल वे गायब हुए, पेड़ एक बार फिर हिलने लगा। कुछ पल बाद उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। डम्बलडोर, मैकनेयर, फज और समिति का बूढ़ा सदस्य महल की तरफ जा रहे थे। हमारे अंदर जाने के ठीक बाद ही वे आए थे, हरमाइनी बोली। काश डम्बलडोर हमारे साथ अंदर गए होते, तब तो मैकनेयर और फज भी अंदर गए होते, हैरी ने कटुता से कहा। मैं दावे से कहता हूँ कि फज ने मैकनेयर को वहीं पर सीरियस को मारने को कह दिया होता। उन्होंने चारों लोगों को महल की सीढ़ियां चढ़कर ओझल होते देखा। कुछ मिनट तक आसपास कोई भी नहीं था। फिर देखो, ल्यूपिन आ रहे हैं, हैरी ने कहा, जब उसने देखा कि पत्थर की सीढ़ियों से एक आकृति लड़ाकू पेड़ की तरफ भाग कर आ रही थी। हैरी ने आसमान में देखा, चांद बादलों में छिपा हुआ था। उन्होंने देखा कि ल्यूपिन ने जमीन से एक टूटी टहनी उठाकर तने की गांठ को दबाया। लड़ाकू पेड़ ने लहराना बंद कर दिया और ल्यूपिन भी इसकी जड़ों के छेद में गायब हो गए। काश वे चोगा उठा लेते, हैरी बोला। वह वहीं पड़ा हुआ है, वह हरमाइनी की तरफ पलटा। अगर मैं अभी भाग कर जाऊं और चोगा उठा लूं तो स्नेप इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और हैरी, हमें किसी को भी नहीं दिखना है। तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हो, उसने तैश में आकर हरमाइनी से कहा। यहाँ पर खड़े होकर सब कुछ होते देख रही हो, वह झिझका। मैं चोगा उठाने जा रहा हूँ, हैरी। नहीं, हरमाइनी ने हैरी के दुशाले को पीछे से पकड़ लिया, और ये अच्छा ही रहा। ठीक उसी समय उन्हें किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। यह हैग्रिड था। वो महल की तरफ जा रहा था। वह जोर जोर से गाना गा रहा था और चलते समय थोड़ा झूम रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी बोतल लहरा रही थी। देखा, हरमाइनी फुसफुसाकर बोली। देखा क्या हो सकता था, हमें किसी को दिखाई नहीं देना है। नहीं बकबीक, गरुण अश्व हैग्रिड तक फिर पहुंचने की जोरदार कोशिश कर रहा था। हैरी ने भी बकबीक को रोकने के लिए उसकी रस्सी पकड़ ली। उन्होंने देखा कि हैग्रिड महल तक झूमता हुआ गया, फिर वह चला गया। अब बकबीक ने भी रस्सी छुड़ाने की कोशिश छोड़ दी और इसका सिर दुख से लटक गया। मुश्किल से 2 मिनट बाद ही महल का दरवाजा एक बार फिर खुला। स्नेप उसमें से धड़धड़ाते हुए बाहर निकले और लड़ाकू पेड़ की तरफ भागने लगे। हैरी ने अपने हाथ भींच लिए जब उसने देखा कि स्नेप पेड़ के पास रुककर चारों तरफ देख रहे थे। उन्हें चोगा दिख गया, जिसे उन्होंने उठा लिया। हैरी धीरे से गुर्राया, इस पर से अपने गंदे हाथ हटाओ। स्नेप ने वही टहनी उठा ली जिससे ल्यूपिन ने पेड़ की गांठ दबाई थी। उसी टहनी से स्नेप ने भी गांठ दबाई और चोगा पहनकर अदृश्य हो गए। तो यह मामला है, हरमाइनी ने धीरे से कहा। हम सब वहां पर नीचे हैं और अब हमें अपने लौटने का इंतजार करना होगा। उसने बकबीक की रस्सी सबसे पास वाले पेड़ से बांध दी। फिर वह सूखी जमीन पर बैठ गई और उसने अपने हाथ घुटनों पर रख लिए। हैरी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, दमपिशाच सीरियस को क्यों नहीं पकड़ पाए? मुझे याद है कि दमपिशाच पास आ रहे थे, फिर मुझे लगता है मैं बेहोश हो गई थी। वहां पर इतने सारे दमपिशाच थे। हैरी भी बैठ गया।
उसने हरमाइनी को पूरी घटना बताई। उसने बताया कि सबसे पास खड़े दम पिशाच ने किस तरह उसके मुंह की तरफ अपना मुंह झुका लिया था, लेकिन तभी झील के पार से कोई बड़ी सी सफेद चीज हिलती हुई आई और उसने दम पिशाचों को भगा दिया। हैरी की बात सुनकर हरमाइनी का मुंह थोड़ा खुला रह गया, लेकिन वह कौन सी चीज थी? हैरी ने कहा, दम पिशाचों को सिर्फ एक ही चीज भगा सकती है, असली पितृदेव, शक्तिशाली पितृदेव। लेकिन उसे उत्पन्न किसने किया? हैरी कुछ नहीं बोला। वह उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसे उसने झील के दूसरे किनारे पर देखा था। वह अंदाजा लगा रहा था कि वह कौन था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? तुमने यह नहीं देखा कि वह कैसा दिखता है? हरमाइनी ने उत्सुकता से पूछा। क्या कोई हमारा टीचर था? नहीं, हैरी बोला, वे टीचर नहीं थे। लेकिन इतने सारे दम पिशाचों को तो कोई शक्तिशाली जादूगर ही भगा सकता है। अगर पितृदेव इतनी तेजी से चमक रहा था तो क्या उसकी रोशनी में तुम्हें वह जादूगर नहीं देखा? क्या तुमने उसे नहीं देखा? हाँ, मैंने उसे देखा था, हैरी ने धीरे से कहा, लेकिन शायद यह मेरी कल्पना हो। मैं उस समय ठीक से सोच विचार करने की हालत में नहीं था। उसके तत्काल बाद मैं बेहोश हो गया था। तुम्हारे हिसाब से वे कौन थे? मुझे लगता है, हैरी ने थूक गुटका। वह जानता था कि यह बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी। मुझे लगता है कि वे मेरे डैडी थे। हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखा, जिसका मुंह अब पूरी तरह से खुल गया था। वह उसकी तरफ दहशत और दया के मिले जुले भाव से देख रही थी। हैरी, तुम्हारे डैडी मर चुके हैं, उसने धीरे से कहा। हैरी तत्काल बोला, मैं यह बात जानता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुमने उनका भूत देखा था? क्या पता? नहीं, वे ठोस दिख रहे थे, लेकिन फिर शायद मैं ठीक से नहीं देख पाया, हैरी बोला। लेकिन जितना मैं देख पाया, वे उन्हीं की तरह दिख रहे थे। मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं। हरमाइनी अब हैरी की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसकी दिमागी हालत के बारे में चिंतित हो। मैं जानता हूँ कि यह पागलपन लगता है, हैरी ने सपाट अंदाज में कह दिया। उसने पलट कर बगबीक को देखा, जो अपनी चोंच से जमीन खोद रहा था और शायद कीड़े ढूंढ रहा था। लेकिन वह दरअसल बगबीक को नहीं देख रहा था, वह तो अपने पिता और उनके तीन सबसे पुराने मित्रों के बारे में सोच रहा था। मूनी, वर्मटेल, पैडफुट और प्रॉन्ग्स। क्या आज रात को चारों दोस्त मैदान में एक साथ फिर इकट्ठे होंगे? वर्मटेल उस रात को दोबारा नजर आया था, जबकि सब यही सोच रहे थे कि वह मर चुका है। क्या यह संभव नहीं था कि उसके पिता भी नजर आए हों? क्या झील के उस पार कोई काल्पनिक चीज दिखी हो? वह आकृति इतनी दूर थी कि साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन बेहोश होने से पहले एक पल के लिए तो उसे यही लगा था। हवा से पत्तियां धीरे धीरे सरसरा रही थी। तैरते बादलों के बीच चांद कभी छिप जाता था तो कभी दिखने लगता था। हरमाइनी अपना चेहरा लड़ाकू पेड़ की तरफ घुमाकर इंतजार कर रही थी। और फिर आखिरकार 1 घंटे से भी ज्यादा समय बाद हम वापस आ गए, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। वह और हैरी खड़े हो गए। बकबीक ने अपना सिर उठा लिया। उन्होंने देखा कि ल्यूपिन, रॉन और पैटिग्रू जड़ों के बीच वाले छेद से अजीब तरीके से बाहर निकल रहे हैं। फिर हरमाइनी आई, फिर बेहोश स्नेप अजीब ढंग से हवा में तैरते हुए आए। इसके बाद हैरी और ब्लैक बाहर निकले। वे सब महल की तरफ चलने लगे। हैरी का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा। अब किसी भी समय बादल हटने वाला था और चांद दिखने वाला था। हैरी, हरमाइनी बुदबुदाई, जैसे वह जानती हो कि वह क्या सोच रहा है। हमें दूर ही रहना है, कोई हमें देख ना पाए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम पैटिग्रियो को एक बार फिर बचकर भाग जाने देंगे? हैरी ने धीरे से पूछा। अंधेरे में तुम चूहे को पकड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? हरमाइनी ने पलट कर कहा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सीरियस की मदद करने आए हैं। हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, चांद बादल के पीछे से बाहर आया। उन्होंने मैदान में जाती आकृतियों को रुकते देखा। फिर उन्होंने गतिविधि देखी। ल्यूपिन, वे रहे, हरमाइनी फुसफुसाई। उनका रूप बदल रहा है। हरमाइनी, हैरी ने अचानक कहा, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें कब से बता रही हूँ। हम बीच में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ल्यूपिन जंगल की तरफ भागेंगे, ठीक हमारी तरफ, हरमाइनी ने आह भरी। जल्दी, वह बकबीक को खोलने के लिए भागी। जल्दी, हम कहाँ जाएं? हम कहाँ छिपें? दम पिशाच किसी भी समय आ सकते हैं, हैरी बोला। फिर से हैग्रिड के घर में चलते हैं, अब वह खाली है, चलो। वे सरपट भागे, बकबीक भी उनके पीछे पीछे भागा। उन्हें पीछे से नर भेड़िए की गुर्राहट सुनाई दे रही थी।
हैग्रिड का घर दिखने लगा था। हैरी ने भागकर दरवाजा खोला। हनमाइनी और बकबीक उसके पास से निकलकर अंदर गए। उनके जाने के बाद हैरी भी अंदर गया और उसने दरवाजे की सांकर लगा दी। फैंग जोर से भौंका। फैंग, हम हैं, हरमाइनी बोली और उसे चुप करने के लिए जल्दी से उसके कान खुजाने लगी। यह बहुत करीबी मामला था, उसने हैरी से कहा। हाँ, हैरी खिड़की से बाहर देख रहा था। यहाँ से बाहर की घटनाओं को देखना मुश्किल था। बकबीक बहुत खुश दिख रहा था कि वह फिर से हैग्रिड के घर में लौट आया है। वह आग के सामने पसर गया। उसने अपने पंख संतुष्टि के साथ बंद कर लिए और अच्छी सी झपकी के लिए तैयार लगने लगा। मुझे लगता है कि मुझे एक बार फिर बाहर जाना चाहिए, हैरी ने धीरे से कहा। हमें यहाँ से बाहर की घटनाएं नहीं दिख सकती। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जाने का सही समय हो गया है? हरमाइनी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर संदेह का भाव था। मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, हैरी ने जल्दी से कहा। लेकिन अगर हम यह नहीं देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, तो हमें यह पता कैसे चलेगा कि सीरियस को बचाने का समय हो गया है? अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पर बकबीक के साथ इंतजार करती हूँ। लेकिन हैरी, सावधान रहना, वहाँ एक नर भेड़िया है और दम पिशाच भी। हैरी एक बार फिर बाहर आ गया और हैग्रिड के घर के चारों तरफ घूमकर निकला। उसे दूर से सीरियस की चीख सुनाई दी। इसका मतलब था कि दम पिशाच सीरियस को घेर रहे थे। वह और हरमाइनी भी अब किसी भी पल उसके पास पहुंचने वाले होंगे। हैरी झील की तरफ घूरने लगा। उसका दिल उसके सीने में नाच रहा था। जिसने भी पितृदेव को उत्पन्न किया था, वह अब किसी भी पल नजर आ जाएगा। एक पल के लिए वह हैग्रिड के घर के दरवाजे के सामने डावाडोल हालत में खड़ा रहा, कोई तुम्हें देख ना ले। लेकिन वह दिखना नहीं चाहता था, वह तो देखना चाहता था, वह तो जानना चाहता था। और फिर दमपिशाच आ गए। वे अंधेरे में हर दिशा से आ रहे थे और झील के कोनों से मंडरा रहे थे। जहाँ हैरी खड़ा था, वहां से वे दूसरे किनारे की तरफ जा रहे थे। वह दमपिशाचों से दूर रहेगा, हैरी भागने लगा। उसके मन में अपने पिता के अलावा कोई दूसरा विचार नहीं था। क्या वे ही थे? क्या सचमुच वे ही थे? उसे ये जानना ही था, उसे यह पता लगाना ही था। झील अब और पास आती जा रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। दूसरे किनारे पर उसे छुटपुट सफेद चमक दिखाई दे रही थी। वह पितृदेव उत्पन्न करने की कमजोर कोशिशें कर रहा था। पानी के बिल्कुल पास एक झाड़ी थी। हैरी उसके पीछे छिपकर पत्तियों के बीच से देखने लगा। दूसरे किनारे पर सफेद चमक अचानक गायब हो गई। उसके भीतर दहशत भरा रोमांच हिलोरे मारने लगा। अब किसी भी पल आ जाओ, वह बुदबुदाया और घूरने लगा। डैडी, आप कहाँ हो? आ भी जाओ। लेकिन कोई नहीं आया। हैरी ने अपना सिर उठाकर झील के उस पार दम पिशाचों के समूह को देखा। उनमें से एक अपने नकाब को नीचे कर रहा था। अब बचाने वाले को सामने आना था, लेकिन इस बार कोई भी मदद करने नहीं आ रहा था। और तभी उसके मन में एक विचार आया। वह समझ गया। उसने अपने पिता को नहीं, बल्कि खुद को देखा था। हैरी झाड़ी के पीछे से कूद कर बाहर आया और उसने अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। वह चीखा, पितृदेव संरक्षणम। इस बार उसकी छड़ी के सिरे से धुएं का धुंधला बादल नहीं निकला, बल्कि एक आंखें चौंधिया देने वाला चमकदार चांदी से सफेद जानवर बाहर निकला। हैरी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और यह देखने की कोशिश करने लगा कि वह कौन सा जानवर था। वह घोड़े की तरह दिख रहा था। वह जानवर चुपचाप झील के काली सतह पर दौड़ता हुआ उस पार जा रहा था। फिर उस जानवर ने अपना सिर नीचे किया और दमपिशाचों पर हमला करने लगा। अब वह जानवर इधर उधर दौड़ते दमपिशाचों को भगा रहा था। अंधेरे में दमपिशाच पीछे हटते हुए फिर से अपनी जगह पर लौट रहे थे। वे चले गए थे। पितृदेव मुड़ा। वह पानी की खामोश सतह पर वापस हैरी की तरफ लौटने लगा। वह घोड़ा नहीं था, वह यूनिकॉर्न भी नहीं था, वह तो हिरन था। वह ऊपर चमकने वाले चांद जितना चमक रहा था। वह उसकी तरफ लौट रहा था। वह किनारे पर रुक गया। नरम जमीन पर उसके पंजों के निशान नहीं पड़ रहे थे। उसने अपनी बड़ी सफेद आंखों से हैरी को देखा और धीरे धीरे अपना सींगदार सिर झुकाया। और हैरी समझ गया कि वह कौन हो सकता है। उसने फुसफुसा कर कहा, प्रॉन्ग्स। लेकिन जब हैरी की कांपती उंगलियां हिरन की तरफ पड़ी, तो वह गायब हो गया। हैरी अपने हाथ खोले खड़ा रहा। फिर उसे पीछे से खुरों की आवाज सुनाई दी, जिससे वह उछल पड़ा। उसने पलट कर देखा कि हरमाइनी उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी और बकबीक को पीछे खींच कर ला रही थी। तुमने क्या किया? उसने गुस्से से पूछा। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ देखोगे, हैरी ने कहा। मैं हम सबकी जान बचा रहा था। इस झाड़ी के पीछे छिप जाओ।
मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हरमाइनी ने एक बार फिर मुंह खोलकर पूरी बात सुनी। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? तुमने सुना नहीं, मैंने खुद को देखा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने पिता को देख रहा हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है हैरी, मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने एक ऐसा पितृदेव उत्पन्न कर दिया जिसने इतने सारे दंपिशाचों को भगा दिया। यह बहुत बहुत ही ऊंचे स्तर का जादू हैरी ने कहा। इस बार मैं जानता था कि मैं पितृदेव उत्पन्न कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यह काम पहले भी कर चुका था। क्या इससे बात को समझ में आती है? क्या पता, हैरी स्नेप की तरफ देखो। एक साथ उन्होंने झाड़ी के पीछे से झांक कर झील के दूसरे किनारे की तरफ देखा। स्नेप होश में आ चुके थे। वे हवा में से स्ट्रेचर उत्पन्न करके उन पर हैरी, रॉन और हरमाइनी के बेजान शरीर को लिटा रहे थे, और चौथा स्ट्रेचर जिस पर रॉन लेटा था पहले से ही उनके पास तैर रहा था। फिर छड़ी तान कर वे उन सबको महल की तरफ ले गए। ठीक है, अब समय हो गया है, हरमाइनी ने तनाव से अपनी घड़ी देखते हुए कहा। डम्बलडोर अस्पताल के दरवाजे पर 45 मिनट बाद ताला लगाएंगे। हमारे पास इतना ही समय है। इतने समय में ही हमें सीरियस को बचाना है, अस्पताल में वापस पहुंचना है, और इस दौरान किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहां नहीं हैं। वे इंतजार करते रहे और झील में बादलों का प्रतिबिंब देखते रहे। उनके पास वाली झाड़ी हवा में सरसराती रही। बगबीक अब बोर हो गया था और एक बार फिर कीड़ों की खुदाई करने लगा था। क्या तुम्हें लगता है कि सीरियस अब तक वहां पहुंच गया होगा? हैरी ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। महल की तरफ देखते हुए वह पश्चिमी मीनार की दाईं तरफ की खिड़कियां गिनने लगा। देखो, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा, वह कौन है? कोई महल से बाहर आ रहा है। हैरी ने अंधेरे में घूरा। एक आदमी तेजी से मैदान से होता हुआ हॉगवर्ट्स के बाहरी द्वार की तरफ जा रहा था। उसकी बेल्ट में कोई चीज चमक रही थी। हैरी ने कहा, यह तो मैकनेयर जल्लाद है। वह दंपिशाचों को बुलाने जा रहा है। चलो हरमाइनी, समय हो गया है। हरमाइनी ने बगबीक की पीठ पर हाथ रखे और हैरी ने उसे सहारा देकर चढ़ाया। फिर हैरी ने अपना पैर झाड़ी की डाल पर रखा और बगबीक पर चढ़कर हरमाइनी के आगे बैठ गया। उसने बगबीक की रस्सी उसकी गर्दन के पीछे की ओर खींच ली और लगाम की तरह बांध दी। तैयार? उसने हरमाइनी से फुसफुसा कर कहा। मुझे पकड़ लो। उसने बगबीक को दोनों तरफ अपने पैरों से दबाया। बगबीक अंधेरे में उड़ने लगा। हैरी अपने घुटनों से बगबीक को दबा रहा था। उसे घुटनों के नीचे बगबीक के बड़े पंखों का एहसास हो रहा था। हरमाइनी ने हैरी की कमर कसकर पकड़ रखी थी। वह बुदबुदाती जा रही थी। ओह नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, मुझे ये सचमुच अच्छा नहीं लग रहा है। हैरी ने बगबीक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे अब महल की ऊपरी मंजिलों की तरफ उड़ रहे थे। हैरी ने बाईं तरफ की रस्सी जोर से खींची, जिससे बगबीक मुड़ गया। हैरी तेजी से निकलती खिड़कियों को गिनने की कोशिश कर रहा था। रुको, उसने रस्सी को तेजी से पीछे खींचते हुए कहा। बगबीक धीमा हो गया और वे लगभग रुक गए। यह दूसरी बात है कि बगबीक हवा में बने रहने के लिए पंख फड़फड़ा रहा था, और इसी वजह से कई फुट ऊपर नीचे हो रहा था। ऊपर उठते समय हैरी ने खिड़की से सीरियस को देख लिया। वह वहां है। जब बगबीक के पंख नीचे आए तो हैरी ने जोर से खिड़की के कांच पर हाथ मारा। ब्लैक ने ऊपर देखा। हैरी ने देखा कि उसका जबड़ा लटक गया था। वह अपनी कुर्सी से उछला, तेजी से खिड़की तक आया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़की पर ताला लगा था। हरमाइनी ने अपनी छड़ी निकाली और ब्लैक से चिल्ला कर कहा, पीछे हटो। वह अब भी अपने बाएं हाथ से हैरी की कमर पकड़े थी। अलोह मोरा, खिड़की खुल गई। ब्लैक ने गरुण अश्व की तरफ घूरते हुए धीमे से कहा, कैसे कैसे? बैठ जाओ, समय नहीं है। हैरी ने बगबीक को स्थिर रखने के लिए उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है, दम पिशाच आ रहे हैं, मैकनियर उन्हें बुलाने गया है। ब्लैक ने खिड़की की चौखट पर अपना हाथ रखकर खिड़की में से अपना सिर और कंधे निकाले। यह बहुत अच्छी बात थी कि वह काफी दुबला था। जल्दी ही वह बगबीक की पीठ पर अपना एक पैर डालने में सफल हो गया और उस पर हरमाइनी के पीछे बैठ गया। ठीक है बगबीक, ऊपर उड़ो, हैरी रस्सी हिलाते हुए बोला। मीनार के ऊपर चलो, जल्दी। गरुण अश्व ने अपनी शक्तिशाली पंख फड़फड़ाए और वे एक बार फिर ऊपर उड़ने लगे। वे पश्चिमी मीनार के ऊपर पहुंच गए। बकबीक खड़ाक की आवाज के साथ छत पर उतर गया। हैरी और हरमाइनी तत्काल उसकी पीठ से नीचे उतर गए। हैरी ने हाँफते हुए कहा, सीरियस जल्दी जाओ, जल्दी। वे लोग किसी भी समय फेल्डबेक के ऑफिस में पहुंच सकते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम भाग गए हो। बगवीक ने छत पर पंजे मारे और अपना नुकीला सिर हिलाया। सीरियस ने हड़बड़ाकर पूछा, दूसरे लड़के का क्या हाल है, रॉन का?
वह ठीक हो जाएगा, उसे अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन मैडम प्रॉम्फ्री कहती हैं कि वह ठीक हो जाएगा। जल्दी से अब तुम जाओ। लेकिन ब्लैक अब भी हैरी को घूर रहा था। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा। लेकिन हैरी और हरमाइनी एक साथ चिल्लाए, जाओ। ब्लैक ने बकबीक को घुमाया और खुले आसमान को देखा। हम फिर मिलेंगे, उसने कहा। हैरी, तुम सचमुच अपने पिता के बेटे हो। सीरियस ने बकबीक पर दोनों तरफ अपने पैरों का दबाव डाला। जब विशाल पंख एक बार फिर उड़े तो हैरी और हरमाइनी उछलकर पीछे हट गए। गरुण अश्व हवा में उड़ रहा था। हैरी के देखते ही देखते गरुण अश्व और उस पर सवार सीरियस दोनों ही छोटे और छोटे होते जा रहे थे। फिर चांद पर एक बादल आ गया। वे जा चुके थे।